ओके okay, तो मैं आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि हम लोगों ने नेचर किस नेचर के होते हैं, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रही थी, जिसमें एक होता है आपका केमिकल नेचर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके, और दूसरा आपका फिजिकल नेचर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके, फिर तीसरा आपका होता है एक बायोलॉजिकल जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें आपके जो गैस वाले पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर कुछ जहरीले जो गैसेस होती हैं, कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, और आपके जो एसिड्स होते हैं, एसिड सब्सटेंस, कार्सिनोजेंस होते हैं, वो सभी आपके ठीक है। और उसके बाद जो फिजिकल कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो कौन कौन से रहेंगे आपका, इसमें आपका हीट रहेगा, जो गर्मी है हीट है, फिर आपका साउंड है, फिर आपका जो ओडोर है मतलब जो गंध है वो है, फिर गंध की वजह से, स्मेल की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि फिर आपका रेडिएशन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से जो होने वाले पॉल्यूशन, ये सभी आपके फिजिकल कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स में। उसके बाद आपके बायोलॉजिकल कैटेगरी में जो आते हैं उसमें आपके जो परजीवी ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वो आपके आ जाएंगे किसमें, आपके बायोलॉजिकल्स में ठीक है। और इसके अलावा आपके जो कुछ वेस्ट रहते हैं जो बायोलॉजिकल रहेंगे, आपके जो इंसानों के कार्य करने की वजह से जो हो रहे हैं, जैसे नहाने से आपका वेस्ट है, जैसे कि जो मल मूत्र रहता है वो वाला जो वेस्ट है आपका, जो हॉस्पिटल के वेस्ट रहते हैं जिसमें कि ब्लड के सैंपल्स हो गए, ब्लड के सैंपल्स के साथ साथ जो सर्जरी होती है तो सर्जरी से निकलने वाले जितने, सर्जरी किसी की कर रहे हैं तो जो वेस्ट निकल रहा है, किसी के मांस का टुकड़ा है या फिर वो सभी चीजें, या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स के टुकड़े जो हैं, ये सभी आपके बायोलॉजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। तो ये इतने तीन प्रकार के नेचर के आपके पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो होते हैं। अब जो है पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया, पॉल्यूटेंट्स का क्या क्या नेचर है हमने देख लिया, पॉल्यूटेंट्स के मेजर टाइप्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हमारा जो मेन जो है वो हमको देखना है कि पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग जब होती है, पॉल्यूशन को मॉनिटर करना या फिर पॉल्यूशन का मेजरमेंट करना वो कैसे होता है ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, गवर्नमेंट भी ऐसे कई सारे आपके एक्ट निकालती है, या फिर गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे चीजें पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके, पॉल्यूशन को कम करने का तरीका किया जा सके ठीक है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे एक्ट निकालती है, जैसे कि सेव वाटर बोलते हैं, सेव वाटर का एक नारा है, जैसे कि पॉल्यूशन में एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सेव टाइगर वाला नारा है, ऐसे बहुत सारे जो एक्ट है वो निकालती है जो गवर्नमेंट है। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एनजीओज हैं, जिन लोग गवर्नमेंट के नहीं रहते हैं, उन लोग भी करते हैं, जो अपने से ही चाहते हैं कि मतलब एनवायरमेंट अच्छा रहे उसके लिए उन लोग भी ऐसा करते हैं ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो भी इस कार्य को जो है वो करते हैं। अब इतने सारे लोग इस कार्य को यहाँ पर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस है, कुछ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन के साथ, जो है ये सभी चीजें जो है एक्ट निकाले जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे अगर लेवल्स हैं जिस लेवल के हिसाब से पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, ऐसे जो चार लेवल्स पे पोल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है और उनको ध्यान में रखते हुए कि कितना इस लेवल पे देखते हैं, चलो पॉल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, इतना ज्यादा हो रहा है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है चीजों को। तो पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के चार लेवल्स होते हैं, और इन चार लेवल्स को जो है जो जो पॉल्यूशन की जो एजेंसी करती है उसे हम बोलते हैं ईपीए, मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसीज, सॉरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। ये जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, ये क्या करती है, 4 लेवल्स पे, 4 लेवल पे पॉल्यूशन को जो है वो मॉनिटर करती है। जो 4 लेवल है मॉनिटर करने के पॉल्यूशन के, उसमें है नंबर 1 जो है वो है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या होता है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लेवल की अगर बात की जाए तो आपका जो प्राइमरी लेवल है, ये जो प्राइमरी लेवल है इस पे अगर पॉल्यूशन अगर मॉनिटर हो रहा है इस लेवल पे, इसे कौन कर रहा है, ये जो ईपीए है वो कर रहा है, मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, पॉल्यूशन को मॉनिटर कर रही है, ठीक है, उसे मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। तो उसे जो मिनिमाइज या फिर कम करने के लिए अगर ये कुछ एक्ट चला रही है या फिर कोई लेवल्स पे कर रही है, तो उसमें जो पहला लेवल है उसे प्राइमरी लेवल बोलते हैं। प्राइमरी लेवल जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले के लेवल पे होता है, है जैसे कि ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग, जिला होता है अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस लेवल पे जब पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है तो उसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर ब्लॉक लेवल पे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और जो इसको कौन करेगा, जो कुछ कुछ एनजीओज हैं या फिर गाँव में अगर बात की जाए, जो रूरल डेवलपमेंटल एजेंसीज रहती है, जैसे गाँव में कुछ कुछ जो है संघ बने रहते हैं, क्लब्स बनाते हैं कई लोग जो है शहर में सोसाइटीज में, वैसे ही गाँव में भी ऐसे कुछ छोटे छोटे जो संघ बनाकर क्या करते हैं लोग, ऐसे कुछ मुहिम चलाते हैं, ऐसे कुछ मुहिम निकालते हैं कि चलिए अब पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए करते हैं। तो कई लोग नारेबाजी करते हैं, कई लोग बोलते हैं चलो सफाई करेंगे, तो झाड़ू लेके निकलते हैं सफाई करेंगे, तो उसको मॉनिटर करना बोलते हैं, तो मिनिमाइज करने के लिए। तो वो सबसे सबसे बेसिक जो लेवल होता है वो होता है प्राइमरी लेवल, जिसमें जिले के आधार पर और आपका जो है मेनली क्या बोला जा रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल का होता है, जो छोटे लेवल पे किया जाता है, जब जिसे एनजीओस करते हैं और कुछ रूरल डेवलपमेंटल एजेंसीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती है और वो उसको करने के लिए करती है। उसके बाद जो दूसरा लेवल जो है वो आता है आपका सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, देखिए प्राइमरी लेवल किस लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे। अब जो आपका जो ये है सेकेंडरी लेवल, ये जो है स्टेट लेवल पे होता है, राज्य के लेवल पे। पहले जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया, तो बेसिक से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को देखा, जिले जिले को देखा, ब्लॉक्स को देखा, उस लेवल पे जो है पॉल्यूशन जो है मॉनिटर हो रहे थे, पॉल्यूशन को कम करने की मुहिम चलाई जा रही थी। अब जो है नेक्स्ट जो एक स्टेप ऊपर हम लोग जाएंगे, तो जो सेकेंडरी लेवल जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो है आपका स्टेट लेवल पर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे किया जाता है, जिसमें जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनका सबसे बड़ा हाथ रहता है इसमें, कौन किसका, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये इनका सबसे बड़ा हाथ रहता है उसमें, जो स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, पॉल्यूशन को दूर करने की कोशिश करते हैं, पॉल्यूशन को किस तरीके से हम कंट्रोल में लाएं, कुछ चीज किया जाए क्या, या फिर लोगों में जागरूकता लाई जाए, या तो फिर खुद उस चीज को, जैसे कि एयर पॉल्यूशन है तो फिर उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, वाटर पॉल्यूशन है तो लोगों को पानी को गंदा करने, पानी के जो सोर्स है उनको गंदा करने के लिए खुद सफाई की जाए, ऐसे बहुत सारे तरीके जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो करती है, कुछ कुछ एक्ट निकालती है, कुछ तरीके करती है, बहुत कुछ प्रोग्राम्स करवाती है। तो वो अपने लेवल पे जो भी करे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आपका किस में आता है, स्टेट लेवल पे जो आता है वो आपका कौन से लेवल में आएगा, सेकेंडरी लेवल में आएगा। तो ये 2 लेवल हुए, अब जो इसके बाद के जो लेवल है उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड लेवल आता है, थर्ड लेवल को हम लोग बोलते हैं टर्शरी लेवल। अब ये जो टर्शरी लेवल होता है ये होता है नेशनल लेवल। अब स्टेट से निकल के हम नेशनल लेवल पे आएंगे तो ये कंट्री लेवल पे होता है, देश के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे जब जो है आपके इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसीज है वो जब मॉनिटर करना स्टार्ट करती है टर्शरी लेवल पे, तो वो टर्शरी लेवल पे करेगी तो क्या होगा, वो होगा आपका नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे। कंट्री
ठीक है, ईच कंट्री हैज इट्स ओन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हर कंट्री का, हर देश का अपना खुद का जो है ईपीए होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो होता है अपनी खुद की कंट्री का, खुद का अपना, जो क्या करती है पॉल्यूशन को अगर वो नेशनल लेवल पे क्या करवा रही है, मॉनिटर करवा रही है, उसे कम करने के लिए तरीके अपना रही है, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे एक्ट निकाल रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, तो वो आपके टर्शरी लेवल पे आएगा क्योंकि वो नेशनल लेवल पे हो रहा है, देश के लेवल, पूरे देश में। जैसे कि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा, खैर वो पोल्यूशन के लेवल पे नहीं, स्वच्छ भारत अभियान ही सुन लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टर्शरी लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे क्या हुआ आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो वो अपनाया गया ना, वो जो स्वच्छ भारत अभियान निकाला गया, तो वो एक टर्शरी लेवल पे था उस एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद फोर्थ लेवल जो आता है वो आपका आता है क्वार्टरनरी लेवल। क्वार्टनरी लेवल में जाहिर सी बात है क्या चीज आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब पॉल्यूशन को आपका मॉनिटर किया जाता है या मेजर किया जाता है और उसे मिनिमाइज करने के लिए मुहिम चलाई जाती है, एक्ट्स निकाले जाते हैं, तो वो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, आपका कौन सा वाला आएगा, क्वार्टरनरी लेवल पे आएगा, जिसमें आपके गवर्नमेंट जो बॉडीज है, जो इसमें सरकारी जो सरकारी काम होता है, ये मेन सरकार का होता है, गवर्नमेंट बॉडीज करती है इसे, गवर्नमेंट लेवल पे, सरकारी लेवल पे, जब इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब पॉल्यूशन को कम करने का, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने का, पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं कार्य, तो वो आपके क्वार्टरनरी लेवल पे आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट बॉडी जो है वो क्लोजली रिलेटेड होती है, क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन विच इज अ ग्लोबल फिनोमिना, जो कि क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आज के डेट में हर चीज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो क्या है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है ये किस लेवल तक हो रही है, क्या वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही है, ये सिर्फ इंडिया में हो रही है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है, और विश्व को कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर आपका पॉल्यूशन जो है वो हिट नहीं किया हो, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन ही, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हर जगह है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कार्य करना जरूरी है क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO है और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो भी एक्टिवली इसमें बहुत इन्वॉल्व है, क्वार्टनरी लेवल पे पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग फॉर द पॉल्यूशन एंड जो बहुत लेवल तक के पॉल्यूशन को ठीक करने का, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे एक पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें एग्रीमेंट एक साइन हुआ है, विभिन्न देशों के जो लोग हैं, जो बड़े पोस्ट के लोग हैं उन पे साइन, एनवायरनमेंट को बचाना हमारा अभी आज के डेट में जो है प्राइमरी जो है फोकस है, क्योंकि एनवायरनमेंट को जिस तरीके से हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, उसके सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कोविड का ही देख सकते हैं हम लोग, कोविड भी एक कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट को जो हम क्षति पहुंचा रहे हैं उसका ही जो है वो नतीजा जो है आज हम लोगों को मिल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के 4 लेवल्स थे, जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल और क्वार्टरी लेवल, ये 4 लेवल्स सम्मिलित हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन। अब हम स्टूडेंट है बायोटेक्नोलॉजी के और हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे किस तरीके से हम पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पॉल्यूशन को ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि इन रीसेंट ईयर्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन का जो डिटेक्शन है या फिर जो मॉनिटरिंग है वो हम बायोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे बायोटेक्नोलॉजिकल तरीका या फिर बायोलॉजिकल तरीका या बायोसिस्टम का कोई एक तरीका जिसके जरिए हम पॉल्यूशन को जो है मॉनिटर कर सकें, पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सके, पॉल्यूशन को समझ सके, और पॉल्यूशन कितना हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, और पॉल्यूशन को किस प्रकार कम किया जा सकता है, उसे करने के लिए हम लोग बायो सिस्टम या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस सेवरल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज्ड।
और इस पर्पस के लिए अगर हम बायोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है, बायोसिस्टम के तरीके से जो है रिसेंट ईयर्स में किया जा रहा है, तो जिसमें कुछ प्लांट्स को यूज किया जाता है, प्लांट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, एनिमल्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, फिर आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे आपका जो है पॉल्यूशन को मेजर किया जा सके। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एजेंसीज, जैसे कि आपका जो ईपीए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज कंसिडर बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन एज ए यूजफुल डिवाइस। ईपीए जो है उसका ये कहना है, ईपीए जो है उन्होंने ये बताया है कि जो आपका बायो मॉनिटरिंग है, बायो मॉनिटरिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए जो है हम लोग पॉल्यूशन को अच्छे से मिटा सकते हैं, सॉरी पॉल्यूशन को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। बायो मॉनिटरिंग के थ्रू पॉल्यूशन को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, उसे दूर करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे हम कितना पॉल्यूशन हो रहा है उसे देखते हैं, कितना हम लोगों को जरूरी है अभी ठीक करना, किस लेवल तक पहुंच गया पॉल्यूशन, उस चीज को जो है किया जा सकता है बायो मॉनिटरिंग के थ्रू, ठीक है, जिसमें जो है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे पॉल्यूशन को डायग्नोस भी करेंगे। डायग्नोस मतलब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन को हम समझेंगे कि किस लेवल पे पॉल्यूशन पहुंच गया है, किस लेवल का पॉल्यूशन हो रहा है, क्या वो पॉल्यूशन इतना ही है कि सिर्फ नॉर्मली इफेक्ट पहुंचा रहा है इंसानों को, हेल्थ को तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है या फिर किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, उसे डायग्नोस करना होता है, फिर उसको प्रिवेंटिव देखना कि उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट मतलब कि क्या क्या आइडिया से हम कर सकते हैं, उसके बाद रिमेडियल होता है जो हम उस पर करते हैं अप्लाई कि हाँ हमको ये अप्लाई करके उसे दूर करना है। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके बायो मॉनिटरिंग के थ्रू कर सकते हैं आपके पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ तरीके हुए हैं आपके। अब बायो मॉनिटरिंग का क्राइटेरिया देखते हैं कि बायो मॉनिटरिंग का क्या क्या क्राइटेरिया है, बायो मॉनिटरिंग में क्या क्या कर सकते हैं ये तो देख लिए, डायग्नोस कर सकते हैं, फिर उससे क्या हम कर सकते हैं आपका प्रिवेंटिव मेथड में किस तरीके से क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं ये कर सकते हैं, फिर आपका जो है जो है उसका रिमेडियल इश्यूज उसको अप्लाई कैसे करें ये तो देख सकते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है उसके उसे देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, क्राइटेरिया फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें द पैरामीटर्स ऑफ द क्राइटेरिया चूजन फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन आर वेरी क्रूशियल। ये जो तरीका जितना सुनने में इजी लग रहा है कि बायो मॉनिटरिंग कर लेते हैं, बायो मॉनिटरिंग के थ्रू हम पॉल्यूशन को नाप लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, फिर उसका तरीका अपना लेंगे, उसका उसको दूर करने का तरीका अपना लेंगे, ये जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, एक्चुअल में ये बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉल्यूशन को समझना, पॉल्यूशन की हर एक चीज को चेक करना, पॉल्यूशन किस लेवल तक के पहुंच गया है उसको देखना, उसके बाद उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं उस आइडिया को समझना और उसके बाद उसे अप्लाई करना, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर ये इतना इजी होता तो क्या आज के डेट में पॉल्यूशन होता नहीं। तो फिर इसीलिए ये बायो मॉनिटरिंग की प्रोसेस एक बायोलॉजिकल तरीका तो है, बायोटेक्नोलॉजिकल तरीका एक है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजिकल तरीके से पॉल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये जितना इजी सुनने में लगता है इतना इजी नहीं है, ये इट विल टेक टाइम, ये टाइम टेकिंग भी है, क्रूशियल भी है, इसके जो क्राइटेरिया रहते हैं, जो पैरामीटर्स रहते हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, दे आर रिलायबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट के मामले में अच्छे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिप्रोड्यूसिबल है, इसे फिर से बार बार जो है रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो है ये रिलायबल है, मतलब इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, इसमें हम लोग को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये तो है। तीन प्रकार के जो है क्राइटेरिया जो होते हैं जो मोस्टली आपके बायो मॉनिटरिंग के लिए अडेप्ट किए जाते हैं, तीन क्राइटेरिया, ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया क्या क्या है उसे डिस्कस करते हैं। तो तीन क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है आपका विजुअल रेटिंग, ये सेकंड क्राइटेरिया आता है जीनोटॉक्सिकिंग, जीनोटॉक्सिक टॉक्सिसिटी रेटिंग, तीसरा आता है आपका
मेटाबॉलिक रेट। विजुअल रेटिंग, क्राइटेरिया जो है, इस क्राइटेरिया के द्वारा हम बायो मॉनिटरिंग कर सकते हैं पॉल्यूशन की, इन तीन क्राइटेरिया के आधार पर, जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा विजुअल रेटिंग। विजुअल से क्या समझ रहे हैं आप? विजुअल या फिर कुछ देख कर, कुछ स्कैन करके करता होगा, हो सकता है। तो हम पहले विजुअल रेटिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, विजुअल रेटिंग, इन द विजुअल रेटिंग द ग्रोथ रेट एंड प्रोडक्टिविटी आर कंसिडर्ड। इसमें जो हमारा मेन एजेंडा रहता है विजुअल रेटिंग में, हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि ग्रोथ रेट, कि पॉल्यूशन किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, किस लेवल पे जो है वो बढ़ रहा है उस पे, और प्रोडक्टिविटी क्या, इसका क्या असर पड़ सकता है और किस तरीके से इसको हम रोकें, उस पे हमारा मेन जो है फोकस रहेगा विजुअल रेटिंग में, मेनली ग्रोथ रेट पे, कि किस ग्रोथ, किस रेट से जो है ग्रो हो रहा है, कौन आपका पॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द टेस्ट एसे, इसमें यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को परीक्षण करने के लिए। किस चीज के परीक्षण के लिए? आपके पॉल्यूशन के परीक्षण के लिए। एसे का मतलब होता है परीक्षण हिंदी में। अब माइक्रो एसे परीक्षण, ठीक है, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख रही थी मैं यहाँ पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज कर रहे हैं परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, द ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस। अब यहाँ पर टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। टर्बिडोमेट्रिक क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, टर्बिडिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि टर्बिडोमेट्रिक मेथड या फिर टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस। टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, विजुअल डैमेज टू लीव्स, सीड वायबिलिटी एंड जर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी आर टेकन इन टू अकाउंट। अब इसमें हम क्या चीज लेंगे, सैंपल किस चीज का लेंगे, किस चीज में चेक करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने प्लांट्स लिया, हम प्लांट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को हम चेक करके विजुअल रेटिंग देंगे कि किस लेवल तक के इस प्लांट्स में पॉल्यूशन जो है पहुंचा है, किस लेवल तक के जो है पॉल्यूशन ने प्लांट को अफेक्ट पहुंचा है। तो प्लांट्स में हम किन चीजों को देखेंगे, कि लीव्स को कितना डैमेज हुआ है, जो पत्तियां हैं वो कितनी डैमेज हुई है, ठीक है, पहले तो लीव्स का डैमेज हम देखेंगे। सीड की वायबिलिटी, सीड जो है उनमें कितना जो है वायबिलिटी है, मतलब वो कितना जीवित होने, जीवित है वो, मतलब कहीं सीड जो है वो सुप्त अवस्था में तो नहीं चले गई है। ये सब हम प्लांट बायोटेक में पढ़े थे ना, सुप्त अवस्था सीड्स की, ठीक है, सीड वायबिलिटी हो गया। फिर जर्मिनेशन की फ्रीक्वेंसी, जो आप प्लांट लगा तो दे रहे हैं या फिर आप सीड तो लगा दे रहे हैं, बीज रोप तो दे रहे हैं, लेकिन कितने टाइम बाद जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके जर्मिनेशन की फ्रीक्वेंसी को हमको देखना है, ठीक है, आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, कि अच्छी फ्रीक्वेंसी से जो है जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं। तो प्लांट के लेवल पे हम प्लांट को अब चेक करते हैं, अगर विजुअल रेटिंग से हम कर रहे हैं, प्लांट्स में कितना पोल्यूशन पहुंचा है उसको देख रहे हैं, लीव्स कितने डैमेज हुए हैं, सीड की वायबिलिटी क्या है, जर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल रेटिंग कर सकते हैं पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन को चेक करने के लिए किसी एक सैंपल को तो लेना पड़ेगा, या हो सकता है आप वाटर के सैंपल को लो, वाटर के सैंपल को लें, या फिर प्लांट हमने देखा तो प्लांट को ले रहे हैं, तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, लीव्स कितने डैमेज हुए हैं उससे, सीड की वायबिलिटी क्या है, जर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरीके से हम लोग जो है समझ सकते हैं किसको, पॉल्यूशन की विजुअल रेटिंग कर सकते हैं हम लोग।
एज रिगार्ड्स एनिमल, अगर हम एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एज रिगार्ड्स एज एनिमल सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा एनिमल यूज होता है? आपका फिश, फिश यूज किया जाता है। अब आप मेरे को बताइए कि फिश क्यों यूज होता होगा? क्योंकि फिश जो है वो कहाँ पाया जाता है? पानी में। और अगर हम फिश को एनालिसिस करेंगे तो हम किसको एनालिसिस कर लेंगे? वाटर के पॉल्यूशन को, कि वाटर में कितना पॉल्यूशन है उसको हम देख समझ सकते हैं, क्योंकि फिश पे पूरा असर दिखेगा उसका। ठीक है, फिश को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ LD50 इज यूज, और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? LD50, LD50 कॉन्सेप्ट इज यूज, दैट इज द डोज एट विच 50% ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड। इसमें फिश को यूज करेंगे और इसमें अलग अलग सैंपल्स के जो आपके पानी है या फिर पानी का जो सैंपल है उस पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन से डोज से आपका 50% जो है आपका जो ऑर्गेनिज्म है अफेक्ट हो रहा है। जैसे हमने पॉल्यूटेड पानी लाए उसमें हम रख के देखे मछली को, LD50 तरीका बोलते हैं इसे, LD50 कॉन्सेप्ट। उस पानी के कौन सैंपल में हमने फिश को रख के देखा, फिर थोड़ा सा और पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाला पानी, थोड़ा सा और पॉल्यूटेड वाला पानी, तो कितना पानी कौन से वाले लेवल पे, कौन से लेवल के पॉल्यूटेड वाले पानी में फिश जो है 50% अफेक्ट हो रही है बहुत ज्यादा, उससे हम विजुअल रेटिंग करेंगे। किसका? एनिमल्स में। एनिमल्स में यूजुअली फिश को लिया जाता है, और कभी भी किसके लिए? विजुअल रेटिंग के लिए, पॉल्यूशन के विजुअल रेटिंग के लिए। समटाइम्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सर्व एज ए इंडिकेटर फॉर द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का उपस्थिति और अनुपस्थिति जो है उस वो भी आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को इंडिकेट करती है। वो कैसे करेगी वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। विजुअल रेटिंग में ही अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी पानी के सैंपल को क्या कर रहे हैं, आपका टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पानी के सैंपल को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो पानी के सैंपल को वाटर सैंपल, वाटर सैंपल को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, वाटर सैंपल टेस्ट करने के लिए हमने पानी के, मान लीजिए यहाँ पर तीन सैंपल लिए। ठीक है, इसमें मैं हमने एक ऐसी मछली को डाला जो ज्यादा पॉल्यूशन पे सरवाइव नहीं कर पाती है। इसको हमने इस सैंपल पे डाला। ठीक है, ये दो अलग अलग जगह से हम पानी लेकर आए हैं, इसमें पानी है। अब अलग 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 इस मछली को, इस फिश को जो है हमने क्या किया, डाल दिया। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है ये, एक पर्टिकुलर प्रजाति की मछली है जो एकदम हाई पॉल्यूशन पे सरवाइव नहीं कर पाती है, मर जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पॉल्यूशन के क्राइटेरिया में ये 50 से अगर ऊपर रहेगा लेवल पॉल्यूशन का, तो उसमें ये नहीं सरवाइव कर पाती है, मर जाती है। ठीक है, 50 से नीचे वाले में ये क्या करती है, सरवाइव कर लेती है। तो हमने इसको रखा और उसके बाद हमने जो है 1 से 2 दिन के बाद जो है हमने चेक किया कि मछली की जो हालत क्या है। ठीक है, ये मछली की हालत क्या है, तो हमने 1 से 2 दिन के बाद आके देखा, तो हमने देखा कि ये जो बीच वाला सैंपल है उसमें जो है मछली जो है हमारी सरवाइव नहीं कर पाई, इसमें उसका क्या हुआ, डेथ हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो बीच में जो सैंपल रखा हुआ है, ये सैंपल ए था, सैंपल बी, सैंपल सी, तो ये सैंपल सी वाला जो, सॉरी सैंपल बी वाला जो वाटर है इसमें इस लेवल तक के पॉल्यूशन था, 50 लेवल के ऊपर लेवल तक के पॉल्यूशन था, जिसकी वजह से ये जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया था, विशेष प्रजाति की जो मछली ली थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये जो बी वाला है लेवल का जो बी सैंपल जो है हमारा, उस जो वो है 50 से हाईएस्ट जो है पॉल्यूटेड लेवल पे पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से किसी प्रजाति के जीव जंतु के उपस्थिति या अनुपस्थिति, किसी स्पेशल ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर स्पीशीज के प्रेजेंस या एब्सेंस से भी हम समझ सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि अगर हमको पता है कि इस लेवल के एयर पोल्यूशन पे ये वाली जो पक्षी है, जो बर्ड है, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो बर्ड है धीरे धीरे
लग गए, मतलब वो पॉल्यूशन का वो अच्छा खासा इतना लेवल बढ़ गया है एयर में कि वो मछली, आप जो पक्षी है वो मर जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस जो है खत्म होते जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि इस लेवल पे पॉल्यूशन आ गया है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति, किसी विशेष प्रजाति के ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति से भी पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये आपका था विजुअल रेटिंग, ठीक है। तो विजुअल आपका क्या था, पहला वाला तरीका था बायोमॉनिटरिंग के क्राइटेरिया में जो है, पॉल्यूशन के बायोमॉनिटरिंग के क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया विजुअल रेटिंग था, जिसको हमने देखा कि किस प्रकार से होता है। अगर प्लांट में चेक करेंगे तो प्लांट में कितना डैमेज हुआ है उसको चेक करेंगे, पत्तियों में कितना डैमेज हुआ है उसको चेक करेंगे। एनिमल में देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने फिश को लिया, तो फिश का जो है हम देखेंगे कि टेस्ट ऑर्गन करके, तो LD50 मेथड को, कॉन्सेप्ट को अपना के, और इसके अलावा जो है कुछ विशेष प्रकार की मछलियों बोलते, किस विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति से भी इन्वायरमेंटल आपका पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हुए जो विजुअल रेटिंग में हुए। विजुअल रेटिंग जो है पहला तरीका था आपके बायो मॉनिटरिंग का। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, इसके बाकी क्राइटेरियाज है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग का दो क्राइटेरिया जो है वो बचा है, जीनोटॉक्सिसिटी रेटिंग और आपका मेटाबॉलिक रेटिंग। विजुअल रेटिंग हमने चेक कर लिया है, तो ये दो रेटिंग्स आपकी बची। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा आज का क्लास।